अब्बासी को 4 घंटे के बाद दोबारा जेल में मुंतकिल किया गया है, जबकि हनीफ अब्बासी को डस्ट एलर्जी का मसला हुआ था। हनीफ अब्बासी को सांस में तकलीफ के बायस गंगाराम अस्पताल लाया गया था। इसी पर मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी से। बिलाल, बताएगा अब हनीफ अब्बासी की तबीयत कैसे बताई जाती है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग की जो रहनुमा है हनीफ अब्बासी, कैंप जेल से उनको आज गंगाराम हॉस्पिटल में लाया गया था और उनको सांस में दुश्वारी का सामना था, जिसकी उन्होंने शिकायत की थी, और इस वजह से उनको जो है वो गंगाराम अस्पताल में रेफर किया गया था। और 4 घंटे उनको जो है वो तिबी इमदाद देने के बाद जब उनकी तबीयत जो है वो स्टेबल हुई थी, तो डॉक्टर्स ने इनको दोबारा जो है वो कैंप जेल में रेफर करने का मशवरा दिया। कुछ अद्वियात साथ प्रिस्क्राइब कर दी गई है जिनको वो रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अब उनकी हालत जो है वो बेहतर थी। जब दोबारा उन्हें 4 घंटे बाद जो है वो शाम करने के बाद। आपका बिलाल चौधरी।